तो गाइज अभी मैं वॉक करके आ रहा था और देखो यार किसी ने ये क्या लिखा हुआ गाड़ी पर। भाई जिसने भी जो भी गाड़ी पे लिखा है ना भाई, उसने जो बात लिख दी है ना गाड़ी पे। तो चलो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये आज इनका आखिरी दिन था, इसके बाद इनको अब कुछ नहीं खिलाया पिलाया जाएगा। एक महीना ये भी मेरे साथ डाइट पर है, जबकि इसको डाइट की जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल, मैं तो खाऊंगी, जम के खाऊंगी बेटे। तो गुड मॉर्निंग फैमिली, क्या हाल है आप सबका? तो यहाँ घर वाले यार पता नहीं क्यों उठा देते सुबह सुबह, मेरा तो यार उठने का मन नहीं करता। तो गाइस 9 बज गए, अब उठते हैं फिर, नहीं तो और गालियाँ पड़ेंगी यार, बहुत गालियाँ पड़ जाएगी। अब इतनी सुनी नहीं जाती जितनी निकाल देते हैं। तो चलो यार उठते हैं, नहा धो के अपना रेडी शेडी होके अपनी कॉफ़ी पी के सबसे पहले जो डेली रूटीन में चलता रहा भाई, मतलब चाय तो खैर बहुत अब छोड़ ही दी है। डाइट पे आओ तो मैं तो चाय भी छोड़ देता हूँ, सिर्फ कॉफ़ी रहे थी वो भी दिन की एक। तो नब्बे सबसे पहले यार नहाने वाला गाँव ग्रह, तो आँखें भी नहीं खुल रही। सच्ची बता रहा हूँ यार, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। मतलब हर चीज़ दोबारा शुरू करनी ना यार बहुत टफ है। मतलब बेस दोबारा बनाना, स्टेमिना बनाना, एवरीथिंग बहुत बहुत टफ है भाई। तो गाइस टायर हो गया हमारा पंचर, तो अभी स्टेपनी से काम चलवा रहे हैं। तो भाई अभी तो स्टेपनी से ही काम चलवा रहा हूँ, बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो देखते हैं कल करवाऊँगा पंचर। बट फाइनली ये है कि टायर वैसे ही बहुत ज़्यादा चल गए हैं ये वाले, तो नए टायर डलवाने ही पड़ेंगे मुझे। 10-15 हज़ार किलोमीटर और चल जाए डन, फिर हम चेंज करेंगे इनको। भगवान करके चल पड़े यार, क्योंकि एक दो पार्ट और भी है, स्टेरिंग का भी अभी डलवाने वाला है गाड़ी में, तो भाई खर्चा बहुत है आगे भाई मेरा। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ घर और बनाते हैं अपने लिए कुछ टेस्टी टेस्टी सा खाना और फिर खाएंगे भाई, बहुत भूख लगी है सुबह। तो गाइस अब मैं बनाने लगा हूँ ग्रिल्ड पनीर विद वेजिटेबल्स, ग्रिल करूँगा इसको भी। तो यहाँ पर मैंने काटा है मशरूम, कैप्सिकम, ब्रोकली एंड अनियन और सिर्फ पनीर, और साथ में जो सूप है वो दोबारा बनाऊँगा अपने लिए, क्रीमम मशरूम तो मेरा फेवरेट है, और टमाटो भी, टमाटो सूप भी मेरा फेवरेट है, ये दो ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं कहीं भी जाऊँ तो यही पीना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो चलो अब इसको बनाते हैं गाइस। ये है हमारा अमूल बटर, तो ये पूरा ही जाएगा क्योंकि बटर खाना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आप कर रहे हैं हम पनीर ग्रिल और मैडम जी अपने लिए बना रहे हैं चाय। ओ भाई खाना तो नहीं कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं जो ना खाओ कर, ये तो जहर है, तो मांग भी रही थी जहर दे देना। ऐसा जहर नहीं खाना है मेरे को, यही सबसे बढ़िया है। तो गाइस ये हमारा रेडी हो गया वेजिटेबल और पनीर एंड सूप, और अब हम इसको खाएंगे और देखते हैं कि कैसा बना। तो ये रही हमारे पास सॉस, केचप थोड़ी सी लूँगा, ज़्यादा नहीं। भाई सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग बने, घर पे ट्राई करना, बहुत बढ़िया बने। सिर्फ सॉल्ट और चाट मसाला डालना है, और इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ भाई, करनी पड़ती है अपनी तरह, खुद ही करनी पड़ती है। तो हम खाते ही हैं सारे, तो हम भी करते हैं। हाँ तो फिर खा लो ना, किसने मना किया तुम्हें खाने से? मैं नहीं करता किसी को मना, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई जो मैं खाता हूँ खा के तो देखो एक बारी। बहुत स्वाद है। और मम्मी लगे हैं दोबारा से साग बनाने भाई, जब मैं डाइट करूँ और अब बन रहा घर में साग, गलत बात है। तो गाइस डिनर हो गया, तो अब थोड़ा वॉक करके आते हैं, मतलब डिनर मैंने 4 बजे कर लिया।
तो गाइस अभी मैं वॉक करके आ रहा था और देखो यार किसी ने ये क्या लिखा हुआ गाड़ी पर, गाड़ी धो ले भाई। तो गाइस जिसने भी जो भी गाड़ी पे लिखा है ना भाई, उसने जो बात लिख दी है ना गाड़ी पे, तो उसके बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लिखा तो तूने बहुत बढ़िया है, अरे ये ऊपर कि लिखा बहुत बढ़िया कि भाई गाड़ी धो ले भाई अपनी, तो अच्छी बात है कि भाई तो ये मेरी परवाह है और भाई तेरी ही गाड़ी है, जो मर्जी लिखो उस पर, बट गाड़ी भाई रोज धुलती है और जो ओस पड़ रही है उसके घर के ना सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है घर के सामने, तो वो मिट्टी जो भी है ना गाड़ी पे ऐसे प्रॉपर हो जाती है तो गंदी रहती है। तो भाई तुझे मेरी गाड़ी की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं धुलवा लूँगा भाई, अगर तुझे लग रहा था तो खुद भी धो सकता था, तेरी खुद की गाड़ी है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ मैडम के साथ, मैडम जी ने नहीं की है डिमांड, इनको खानी है मैक्रोनी वेजिटेबल्स वाली, मैक्रोनी बेटे पूरी खानी है। मैं खा ही लेती हूँ जो आप पिछली बार लेके आए थे, आपने खुद नहीं खाई थी, वो क्या था? वो मैक्रोनी थी पर उन्हें चीज बहुत ज्यादा डाल दी थी, सो फिर मैं नहीं खा पाया, मेरे पेट ने जवाब दे दिया, करा बस कर, करता बस कर भाई ज्यादा हो रहा है, अब इससे तेरा पेट नहीं कर रहा है, बट अब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ, तो चलो अब मैडम जी को खिला खिलाते हैं मैक्रोनी शक्रोनी। तो चलो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ये आज इनका आखिरी दिन था, इसके बाद इनको अब कुछ नहीं खिलाया पिलाया जाएगा, एक महीना ये भी मेरे साथ डाइट पर है, जबकि इसको डाइट की जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल, मैं तो खाऊंगी जम के खाऊंगी। बेटे अभी तूने ना ये तू ना इसको खा ले, अभी तूने घर जाके ना मक्की की रोटी और सरसों का साग भी खाना है, वो तो देखा जाएगा अभी जाके। कोई नहीं, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं खा के मम्मी, ये तो बाहर से, इसको कम से कम 2-3 रोटियां खिलाओ, इसने तो खाया ही नहीं इसने बेचारी ने कुछ बार, कह रही नहीं मम्मी जो बना के खिलाएंगे मैं सिर्फ वही खाऊंगी। मैं खा लेती हूँ घर का खाना, मेरा चलता है मेरा, प्लीज प्लीज, कह रही नहीं मैं नहीं बाहर का खाना, जो मम्मी बनाएंगे 2-3-4 रोटियां मक्की की, वो भी जितनी भी देंगे मैं उतनी ही खाऊंगी, मम्मी को पता है मैं इतनी नहीं खाती। हाँ कोई नहीं, मैं कहना आज पता नहीं इसको क्या हो गया, इतना मन कर रहा है मम्मी के हाथों का खाने का भाई, कह रही मम्मी जो मक्की की रोटी बनाते हैं ना वाह क्या कमाल बनाते हैं भाई, कह रही आज तो मैं 2-3 खाऊंगी साग के साथ और मिर्च के अचार के साथ।